उसको पब्लिक में मारा जाए ताकि लोगों में खौफ बैठे कि उसको इतनी गंदी मौत दी गई, या तो उसको लटका दिया जाए, या फिर जिस तरह उसने उस लड़की को मारा है उसको उसी तरह की सजा दी, उसने जिंदा जलाया था उसको, तो इनके कातिलों को भी जलाना चाहिए ना, पेन तो फील हो। लोगों को ऐसे जला के जो फेंक रहे हैं, ये कैंडल मार्च यहाँ पे रोडों पे ना लटका देना चाहिए ऐसे रेपिस्ट को। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TNN वर्ल्ड, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो से। हैदराबाद में जो लड़की के साथ, लेडी डॉक्टर के साथ गैंगरेप हुआ था, उनको जिंदा जला दिया गया, क्या कहते हैं आप इस बारे में कि इतना इजी कैसे हो सकता है किसी के लिए? कोई भय ही नहीं है हमारे देश में, क्यों पता नहीं क्यों, लेकिन इतने सारे रूल्स बना रखे हैं, इतनी सारी चीज़ें बना रखी हैं, बट उसको लोगों में डर ही नहीं बन रहा है, क्योंकि क्या है, या तो केस बहुत लंबा चलता है, खींचते जाओ बंदे की आधी उम्र वहीं खत्म हो जाती है। टाइम पे लोग भूल जाते हैं कि ये ना ऐसा किसी साथ हुआ था, क्योंकि उसके बाद है ना अचानक से कोई दूसरा ऐसा रेप केस आ जाता है, जैसे कि अभी प्रियंका रेड्डी के बाद सडन एक दूसरा भी केस आया है, उसी के 1600 मीटर के रेंज में एक और लेडी की जो है बॉडी मिली है, जली हुई बॉडी मिली है। इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना रूल्स बनाने से पहले ना ब्रेक करने का लोग पहले निकाल देते हैं। अभी दामनी केस हुआ था 2012 में, अभी उसी का फैसला आने ही वाला है 16 दिसंबर को, उससे पहले ये हरकत मतलब 12 से चल रहा है और 19 खत्म हो गया है, तो अभी तक तुम्हारा केस ही चल रहा है, इतने में तो कितने रेप केस हो चुके हैं। और इसमें भी कई बार होता है कि लोग पैसा खिला देते हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचार इतना है हमारे यहाँ पर, रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, तो तुम उसको सजा दोगे कुछ साल की, जुर्माना भरवा दोगे कि इतने लाख का दे दो, ये तुमने एक जिंदा जला दिया, क्या तुम उसका पेन फील नहीं कर पा रहे, तुम्हें कुछ साल देकर के उसको सजा में क्या फ़ायदा मिल रहा है, रेप तो नहीं रुक रहे ना, फिर क्या फायदा हो रहा है इस चीज़। और मेट्रो सिटी में ऐसा हुआ है, गाँव वगैरह का क्या हाल है? हाँ, तो वही तो, वहाँ तो और आधे ज़्यादा केसेस ऐसे हैं कि हमें पता भी नहीं चलता, गांव वगैरह एरिया में लोग इज्जत की वजह से नहीं बताते, कई लोग डरे हुए रहते हैं, इलिटरेट लोग हैं वो नहीं बताते हैं, जो किस पता लगता है उसको लोग कैंडल्स लेके जाते हैं, उन कैंडल से क्या फ़ायदा हो रहा है? लोगों को ऐसे जला के जो फेंक रहे हैं, ये कैंडल मार्च यहाँ पे रोडों पे ना लटका देना चाहिए ऐसे रेपिस्ट को। सऊदी और दुबई जैसी कंट्रीज में अगर कोई ऐसा होता है तो उनके खिलाफ फॉरन एक्शन लिए जाता है। हाँ, वहाँ पर अभी मैंने एक वीडियो देखा था जो वायरल हुआ था, उसको वहीं पे पब्लिक में शूट कर दिया गया था उस इंसान को, क्योंकि उसने एक छोटी बच्ची का रेप किया था। यहाँ पर भी तो हो सकता है ये, क्योंकि वहाँ पर रेप्स इतने नहीं होते हैं, क्योंकि लोग डरते हैं, खौफ है उन लोगों के अंदर, हमारे देश में किसी के अंदर कुछ भय नहीं है, क्या लगता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूल्स इतने नहीं, उन्हें पता है ना कि खींचेंगे केस कर देंगे हम पे 6-7 साल ऐसे ही खींच लेंगे, और एंड में भी कंफर्म नहीं है कि हमें सजा मिलेगी, क्या कर देंगे, 5 साल बाद केस निकला आंसर आया है 4 साल की सजा दे दी है, क्या फ़ायदा हुआ? वो उतना पेन, उतना जो उसमें फ्रस्ट्रेशन है, लाइक अभी देख लो वो 12 का 1920 में जाके 8 साल में कितने सारे रेप केसेस हो गए, इनफैक्ट पुलिस स्टेशन के पास में हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब सडनली कुछ, एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर वो भी एक दामिनी थी, वो डॉक्टर अगले दिन बनने वाली थी उसका, और उसके साथ उसके बॉयफ्रेंड के सामने में हो गया, ये चीज़ें सीन हो रहा है, मतलब लोगों के साथ होता है, वो लोग भूल जाते हैं, कुछ टाइम के लिए कैंडल मार्च होता है कि यार हाँ अभी 26 जनवरी क्या उस टाइम पे सारे यूथ आ जाती है कि हाँ भाई हमें चाहिए जस्टिस चाहिए एक पर्सन के। हम लोगों का आक्रोश सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहा। हाँ, सिर्फ वो लोग मीम बना देते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, इसको इतना शेयर करो, बट किसी पोस्ट को लाइक करने से कुछ हेल्प मिलती ना तो मैं तो हर पोस्ट को लाइक करती, बट नहीं फायदा हो रहा, सरकार तक नहीं पहुँची, अगर पहुँच रही तो शायद वो इतने स्ट्रिक्ट रूल नहीं बना पा रहे हैं। क्या उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे देश से? बस इतना उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको उसी टाइम ढूंढा जाए, उसको पब्लिक में मारा जाए ताकि लोगों में खौफ बैठे कि उसको इतनी गंदी मौत दी गई, या तो उसको लटका दिया जाए, या फिर जिस तरह उसने उस लड़की को मारा है उसको उसी तरह की सजा दी, उसने जिंदा जलाया था उसको, तो इनके कातिलों को भी जलाना चाहिए ना, पेन तो फील हो, लोग डरेंगे कि हाँ भाई स्ट्रिक्ट हो गया तो नहीं करेगा कोई भी ऐसा। एसिड अटैक में कितने सारे हो जाते हैं कि एसिड अटैक होता है, उन्हीं पर्सन के साथ आप बोल देते कि ना समाज के लिए, एक दो केसेस हमारे सामने में है, वरना कितने हम अगर यहीं पे रोडों पे घूमें कितने सारी ऐसी विक्टम्स हमें दिखती हैं जिनका हाफ फेस जला हुआ होता है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स उनको पूरी डेली लाइफ में, एक पर्सन का उस टाइम पे तुमने जला दिया, उसके बाद वो पर्सन है वो है किसी जमींदार का है या फिर किसी पॉलिटिशियन का है कि तुम मेरे चाचा को जानते हो, ऑल ये सारे स्टेटमेंट देके वो लोग चले जाते हैं, पुलिस वाले भी कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। लड़की का रेप हुआ, उनकी मौत हो गई, लड़के ने रेप किया, उसको सजा टाइम मिल रहा है, हाँ 4 साल के लिए 5 साल के लिए, जितने में लोग भूल जाते हैं, नहीं उससे ज़्यादा केसेस आ जाते हैं हर साल हमारे जो देश में है, रेप के रिकॉर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ 80 साल की औरत या नवजात शिशु को नहीं छोड़ा जा रहा है, लेकिन आज भी लोग कहते हैं छोटे कपड़े मेंटालिटी छोटी, लोगों की छोटी सोच है, कपड़े छोटे नहीं है यहाँ पर, या तो मेन यहाँ पे बहुत ज़रूरत है कि रूल्स को स्ट्रिक्ट कर दिया जाए, अगर जब तक रूल्स स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो ये तो यहाँ पे सिर्फ कैंडल्स लेके लोग घूमते हुए दिखेंगे और लोग मरते हुए दिखेंगे, कुछ नहीं होगा, ट्रैफिक जाम कर देंगे, तोड़फोड़ कर देते हैं, आक्रोश उनका सिर्फ वहीं तक रहता है जहाँ पे एक्चुअल में उनको दिखाना चाहिए, अगर तुम्हें दिख रहा है ऐसा, इनफैक्ट कई लड़कियाँ तो ना अगर कोई छेड़ रहा है एक बार इग्नोर करती रहो, दो बार
कंटिन्यूसली वो इग्नोर करते जाते हैं, और वो जो छेड़ रहा होता है पर्सन हाँ। उसे ये नहीं पता कि है ना तुम है हाँ, उसे बढ़ावा मिल रहा है। इनफेक्ट वो ना हम जैसे तो चलो बोल के निकल जाते हैं, कुछ लोगों को वो इतना ज्यादा कि लड़कियां इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है उससे घर से नहीं निकलती है। तुम किसी एक पर्सन को इतना ज्यादा मेंटली टॉर्चर कर रहे हो कि वो बंदा निकल ना सके, तो ये चीजें हो रही हैं।